नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विधानसभा का दंगल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और महत्वपूर्ण खबरों की बात आपको बता दें। यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 9.10% वोटिंग हुई। वहीं पीलीभीत में सबसे ज्यादा यानी कि 10.64% मतदान हुआ है। रायबरेली की अगर बात की जाए तो सबसे कम यानी कि 8.03% यहां पर मतदान हुआ है। रायबरेली सदर से अदिति सिंह है, बीजेपी की प्रत्याशी। पीलीभीत से बात करें, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जनता आज तय करने जा रही है उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ फैसला होगा, आज मतदान की वो तारीख आ चुकी है। चौथे चरण का मतदान हो रहा है। नौ जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। बता दें चौथा चरण आज पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में आज चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और तमाम जो पार्टियां थी, दिग्गज थे, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। रैलियां की गई थी, जनसभाएं की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में चौथे चरण की 59 विधानसभा क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 9.10% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 10.64%, लखीमपुर खीरी में 10.43%, सीतापुर में 9.59%, हरदोई में 8.14%, उन्नाव में 9.26%, लखनऊ में 8.06%, रायबरेली में 8.03%, बांदा में 8.81% और फतेहपुर में 9.69% मतदान हुआ है। सभी जिलों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और जहां कहीं इक्का दुक्का ईवीएम से संबंधित समस्याएं आई हैं उनको समय रहते रिप्लेस करा लिया गया है। कहीं कोई समस्या नहीं और हर जगह पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से, बहुत ही उत्साहजनक माहौल में और अच्छे ढंग से मतदान की प्रक्रिया। तो मतदान का जो प्रतिशत है वो खासतौर से दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमित शर्मा। अमित, जिस तरह से बात करें, सबसे ज्यादा अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पीलीभीत में दिख रहा है, वहीं 8.14 उन्नाव में और 8.81 बांदा यानी 9.69 फतेहपुर में दिख रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज की तो क्या कुछ कह रहा है, अभी 9:10 बज चुके हैं जब। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है सभी 59 विधानसभा क्षेत्रों में और आपको बता दें कि अभी 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं सिलसिलेवार आपको बताते हैं, पीलीभीत का जो एवरेज अभी तक आया है 9 बजे तक वो 10.64% है, यानी कि सबसे ज्यादा है बाकी जिलों से अगर हम कंपेयर करें। इसके बाद खेरी है जिसका औसत जो है वो 10.43% है वोटिंग का। सीतापुर की बात करें तो 9.59% है। हरदोई में 8.14 है, यानी कि हरदोई का थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो और यहां पर बढ़े ऐसी संभावना है। उन्नाव की बात करें तो 9.26% वोटिंग अभी तक हुई है 9 बजे के आंकड़े के अनुसार। लखनऊ में जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है, 8.6% वोटिंग यहां पर अभी तक हुई है। इसके अलावा रायबरेली की अगर हम बात करें जहां से बीजेपी ने अदिति सिंह को प्रत्याशी बनाया है, उनका जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक उस क्षेत्र का वो है 8.3%। बांदा का जो औसत है वो 8.81% है। फतेहपुर की बात करें तो 9.69% वोटिंग हुई है और जो टोटल एवरेज अभी तक है वोटिंग का सुबह 9 बजे तक वो 9.10% है। और इसके अलावा अगर हम कुछ और विधानसभा क्षेत्रों की बात करें जहां पर वोटिंग लगातार जारी है सुबह 7 बजे से श्वेता, तो मलिहाबाद में अभी तक 9% वोटिंग हुई है। बख्शी का तालाब 10.25% अभी तक का एवरेज और ये काफी अच्छा एवरेज अभी माना जा रहा है। सरोजनी नगर की बात करें तो 9.2% वोटिंग हुई है। लखनऊ की हम बात करते हैं, लखनऊ पश्चिम में 7.6% मतदान हुआ है। लखनऊ उत्तर में श्वेता 8.4% है, माफ कीजिएगा 9.2% है। लखनऊ पूर्व में 8.4% वोटिंग है। लखनऊ सेंट्रल में बहुत कम है, 5.5% है और इससे भी कम लखनऊ कैंट क्षेत्र में है जहां 5.4% वोटिंग हुई है। वहीं मोहनलालगंज में 8% मतदान हुआ है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी श्वेता, वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ते जाएगा आगे भी। तो हमें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, परसेंटेज जो रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ। हम लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जहां बूथ संख्या 15 पर बुजुर्ग वोटर परेशान है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, बूथ संख्या 15 पर बुजुर्ग वोटर परेशान है। मतदान सूची में नाम के बाद भी मतदान नहीं करने दिया, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मध्य विधानसभा के रस्तोदी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो बूथ संख्या 15 पर बुजुर्ग वोटर परेशान है,
मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, मतदान सूची में नाम नहीं है और इसके कारण अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विधानसभा के रस्तोदी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बूथ संख्या 15 पर बुजुर्ग वोटर पहुंचे हुए, ये हलाकान है, परेशान, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इन्हें मतदाता सूची में नाम के बाद भी नहीं। आखिरकार क्या वजह है कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रस्तोदी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला मध्य विधानसभा लखनऊ का। और इस बीच बड़ी खबर लखीमपुर से, जहां बता दें आपको ग्राम पंचायत पकरिया में ईवीएम खराब हो गई। तो लखीमपुर से बड़ी खबर, ग्राम पंचायत पकरिया में ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 226 की ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब के कारण मतदाता परेशान हो रहे हैं। तो जनता आज तय करने जा रही है उम्मीदवारों की किस्मत कैद होना है और ईवीएम आपको बता दें खराब हो गई है, जहां मतदाता अब यहां पर परेशान हो रहे हैं। बूथ नंबर 226 की ईवीएम खराब हुई है। बांदा में 8.81% मतदान हुआ है। लगातार मतदान जो है वो बढ़ रहा है, आंकड़ों के जो परसेंटेज है एक तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि बूथ नंबर 226 की ईवीएम मशीन खराब हो गई। ईवीएम खराब होने के कारण मतदाता यहां परेशान है। ग्राम पंचायत पकरिया में ईवीएम खराब हुई है। बता दें कई सियासी दिग्गजों की आज साख दांव पर लगी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कहीं पर आपको बता दें कोई बुजुर्ग जो है वो परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि लखीमपुर ग्राम पंचायत पकरिया में ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 226 का यह पूरा मामला है, जब ईवीएम यहां पर खराब हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन परेशान है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बता दें 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और मतदान की आज जो डेट है चौथे चरण की वो आज है और ऐसे में ईवीएम खराब के कारण मतदाता परेशान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, जहां मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर ये पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री आज वोटिंग करने के लिए और आप देख रहे हैं कि उनका स्वागत किस तरह से हो रहा है। तिलक लगाया गया सबसे पहले उन्हें और उसके बाद बूथ पर पहुंचे हुए हैं, स्वागत सत्कार की ये सीधी तस्वीर है। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जब उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम यहां पर जो बूथ के लोग पहुंचे हुए हैं वो उनका स्वागत करते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्हें तिलक लगाया गया, फिर उन्हें बुके दिया गया और आप बातचीत करते हुए नजर आए। बूथ पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा का दंगल चल रहा है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण का मतदान महत्वपूर्ण और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान सूची में नाम के बाद भी मतदान नहीं करने दिया, बुजुर्ग को अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं बीमार आदमी 3 मंजिल ऊपर के वोट डालने आया, कोई सार्वजनिक साधन नहीं, पैदल आया हूँ। दिनेश शर्मा जी के पास रहता हूँ नजदीक, अब यहाँ आया 2 घंटे लाइन में लगा। वो कहते हैं कि ये नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने भाई कोई सिस्टम निकालो, मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है, आपकी सब कुछ मैच कर रही है, ये एक नंबर अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं वोट नहीं डालू। इससे पहले कभी दिक्कत आई जब वोट डालने? हर बार डालता हूँ, अभी दिक्कत आई है? कभी दिक्कत नहीं आई, अब किसे आई है और ये भयंकर दिक्कत आई। तो बुजुर्ग को मतदान करने नहीं दिया गया, उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ डेटा है लेकिन उसके बाद भी नहीं करने दिया जा रहा है मतदान। हमारे साथ लखनऊ मध्य से अशर असरार जुड़ गए हैं, हमारे साथ लखनऊ पश्चिम से तौकीर किदवई हैं और हमारे साथ सरोजनी नगर से अभिषेक यादव जुड़ गए हैं। सबसे पहले यहां लखनऊ चलते हैं। लखनऊ की अगर बात करें अशर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक की, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या कुछ, और दूसरी तरफ जिस तरह से बुजुर्ग को मतदान करने नहीं दिया जा रहा, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये पहली बार इस तरह से भयंकर समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पे जो मतदान की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 5 से 6% अभी तक मतदान हुआ है
क्योंकि जो अभी फिलहाल मेरे पीछे आप सन्नाटा देख पा रही होंगी, ज्यादा भीड़ नहीं है। लोग जो आए थे सुबह की पहली शिफ्ट में आके, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने वोट डाल दिया, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। और अभी फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर कही जा सकती है कि जो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया था मतदान के प्रति, वो कहीं ना कहीं असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह पहली शिफ्ट में आ करके काफी बड़ी संख्या में वोट डाल के जा चुके हैं। जी तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ लखनऊ पश्चिम से भी तौकीर किदवई हैं। तौकीर, जिस तरह से बात करें नवाबों का शहर लखनऊ सूबे की राजधानी, और ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी का प्रदर्शन लगातार 2017 की अगर बात करें, तो जनता के दिल में अब क्या लग रहा है, कौन राज करने वाला, क्या कुछ मतदान परसेंटेज इस बार के कह रहे हैं, क्योंकि पिछले बार 9 में से 8 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या कुछ दिख रहा है और परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है अभी तक का? देखिए, जो लखनऊ के हम जिस क्षेत्र में, लखनऊ पश्चिम, ये लखनऊ का वही इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान रखता है। इमामबाड़ा हो, रूमी गेट हो, ये वही जगहें हैं जो लखनऊ पश्चिम इलाके में आती हैं। और ख़ास बात है कि यहाँ की तहजीब और यहाँ के जो जो चिकन है, जो कहा जाता है कि चिकन खाया भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है, ये लखनऊ का वही इलाका है फिलहाल। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अरमान खान, वो समाजवादी पार्टी से, पहले बहुजन समाज पार्टी से 2017 में मैदान में थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अंजनी श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी के। माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ही जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं। शाहना सिद्दीकी हैं जो कांग्रेस पार्टी से आती हैं, और ये वो सीट है जिसको लेकर बहुत चर्चाएं थी, बहुत टिकट में देने में बहुत देर की गई थी। अभी फिलहाल जो समीकरण है वो यहाँ पर बताते हैं कि जो चुनावी जो समीकरण है वो बताते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो कुछ इलाकों में ज्यादा और कुछ इलाकों में कम नजर आ रहा है। फिलहाल हम जिस वक्त खड़े हैं, शिया कॉलेज है ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर लोग आप देखेंगे तस्वीरों में तो लगातार आ रहे हैं। कोशिश भी हो रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ तक पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाए, उनका वोट कास्ट कराया जाए। और भीड़ सुबह से भी चल रही है, हमने यहाँ पर काफी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हैं, अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। और ये सामने जो तस्वीर आप देखेंगे, ये लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, सुरक्षा की व्यवस्था है, पुलिस तैनात है, किसी भी ऐसी घटना को लेकर अलर्ट पे हैं, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में पुराने लखनऊ में आता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। जो अभी और आपको बताएं, तस्वीरों में देखा मैंने कि अब बुजुर्गों को ज्यादा ज्यादा नजर आ रही है। फिलहाल अभी नौजवानों में रुझान कम नजर आया पश्चिम में, लेकिन देखना होगा कि दोपहर बाद जब सूरज और तेज परवान चढ़ेगा तो शायद नौजवान भी इस रुख करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल देखना होगा कि क्योंकि सूरज की जैसे जैसे किरणें बढ़ती जाएंगे, लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आएंगे। हमारे साथ सरोजिनी नगर से अभिषेक यादव भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ परसेंटेज कह रहा है अभी तक की अगर हम बात करें, क्या कुछ है, किस तरह का उत्साह दिख रहा है यहाँ पर, कौन से पोलिंग बूथ में आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ नजारा दिख पा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर अब तक अगर इस विधानसभा की बात की जाए श्रीनगर की, तो यहां पर 8.2% अब तक मतदान हो चुका है। और तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख पा रहे किस तरीके से यहां पर बड़ी उत्साह के साथ जो मतदाता है वहां पर बूथों पर आए हुए हैं। यहां पर आप देख पा रहे किस तरीके से जो पुरुषों की लाइन है अलग लगी हुई, इसके साथ ही जो महिलाओं के लिए भी यहां पर एक अलग से बूथ की व्यवस्था की गई, अलग से कतार की व्यवस्था की गई। एक बड़ी बात इस बूथ पर यह देखने को मिल रही कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम जो वो हाईटेक करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं, जो बुजुर्ग जन है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं अलग से व्हील चेयर की या तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली। हालांकि इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के तमाम जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। यहाँ पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो बाहरी फोर्स है वो भी लगाया गया, और तमाम जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर इस पर पैनी नजर बनाए हुए। आप देख पा रहे किस तरीके से जो पुलिस के जवान है वो लगातार लोगों को यहाँ पर लाइन में लगने की जो है हिदायत देने, कोई भी लाइन से बाहर न रहे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था जो यहाँ पर न फैले। जी अभी तक कोई ऐसी अव्यवस्था की बात सामने आई क्या, कोई ईवीएम जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कई जगहों पर ईवीएम खराब भी हो रही है, कई जगह पर जो बुजुर्ग हैं उनको मतदान करने नहीं दिया जा रहा, ऐसी कोई घटना अभी तक सामने आई, जबकि 10:19 हो चुके हैं, ऐसी कोई घटना अभी तक सामने आई सुबह से? देखिए, अगर बात की जाए सरोजनगर विधानसभा की, तो यहाँ पर छिटपुट तरीके से 1-2 केंद्रों पर ईवीएम के खराब होने की सूचना आई थी, लेकिन वहां पर जो सेक्टर प्रभारी है, जो जोनल मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उसको सही करा लिया गया है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी ऐसी घटना सामने नहीं है जिससे मतदान प्रभावित हुआ। हालांकि लगातार जगहों जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद है, और जो लोगों का उत्साह है वो मतदान करने में कहीं ना कहीं भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार से सुबह से एक कतार में लोग लगे हुए जो अपने मतदान का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं, महिलाएं भी लगी हुई है।
हैं और पुरुष भी लगे हुए हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था भी गई है, लेकिन एक बड़ी चीज है जो जिस बूथ पर इस वक्त हम सोलिनगर के बूथ पर मौजूद है, वहां पर जो वृद्ध जन है, जो विकलांग जन है, उनको उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई ताकि जो कहीं ना कहीं जो है वो सही से मतदान कर सके। मतदान की तो ये बात रही अभिषेक, जिस तरह से हम बात करें स्वाति सिंह की भी टिकट काटी गई थी और बीजेपी, सपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें, प्रत्याशियों की अगर बात करें, तो क्या कुछ उत्साह दिख रहा है, किस तरह का यहाँ पर सियासी समीकरण दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर सियासी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूदा बीजेपी से विधायक और मंत्री स्वाति सिंह रोही, जो जिनका टिकट काट करके जो बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर जी, उनको दिया गया, जो कि ईडी में रहे कहीं ना कहीं, उनको यहाँ पर इस सीट पर बीजेपी ने उनके उन पर भरोसा जताया, उन्हीं के सामने उनको जो टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा है, जो कि समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे। हालांकि दोनों जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं एक आधिकारिक परिवार से अपना ताल्लुकात रखते हैं। अभिषेक मिश्रा की बात की जाए तो भी कहीं ना कहीं आधिकारिक परिवार से जुड़े हुए हैं, और जो राजेश्वर सिंह जी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो खुद अधिकारी रहे हैं और उन्होंने वीआरएस लेकर के इस सीट पर अपना जो अपना भाग्य आजमाया है। अब ये देखने वाले जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को ही तय करेंगे कि जो सियासी जमीन वो किसके पाले में ज्यादा जाती है। हालांकि दोनों तरफ से अपने अपने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सीधा टक्कर है वो सपा वर्सेस बीजेपी के बीच में हो रही है। बिल्कुल, जो भी होगा वो देखना होगा, 10 मार्च को डिसाइड हो जाएगा। लखनऊ पश्चिम से हमारे साथ तौकीर किदवई भी जुड़े हुए हैं। तौकीर, इस बार क्या लग रहा है, जनता के दिल में कौन राज करने वाला, प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, कैंडिडेट की अगर हम बात करें, जनता क्या सोच रही है? हालांकि जो भी बातें थी पार्टी के बारे में, जो विचारधारा थी, वो हालांकि 5 साल लगे और जनता ने अपना मूड बना लिया, लेकिन प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हालात दिख रहे हैं, क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर दिख रहे हैं? देखिए, लखनऊ पश्चिम वही इलाका है जहां से लालजी टंडन का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि लालजी टंडन इसी इलाके में रहते थे, पूर्व राज्यपाल रहे, कई सांसद रहे कई बार के, और उनका बड़ा कद था भारतीय जनता पार्टी में, वो इसी इलाके में रहते थे, और उनके बेटे आशुतोष टंडन जो इस समय पूर्वी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी मंत्री रहे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, वो इसी इलाके के रहने वाले हैं, नाम जुड़ा रहा। अटल बिहारी की बात करें तो लखनऊ से जो उनका नाम जुड़ा रहा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन में अटल बिहारी का नाम थोड़ा सा गायब था, माना जा रहा है उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा हो सकता है देखने को मिला रहा है, क्योंकि बने रही है हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को इस बीच बड़ी खबर बता दें लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी मतदान कर दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मतदान किया, इशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर उन्होंने मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर दिया है। बता दें, दिनेश शर्मा ने मतदान किया, इशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है और तमाम दिग्गज अब पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मतदान उन्होंने कर दिया, इशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर उन्होंने मतदान किया। 59 सीटों के लिए, आज बता दें आपको, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मतदान किया है। तो बता दें, आज विधानसभा का दंगल चल रहा है, 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, 9 जिलों की तमाम 59 सीटों पर मतदान चल रहा है, और 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे।